हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। हमारा आज का न्यू सेशन सुपर टेट, इसमें हम सिक्स क्वेश्चन न्यू सब्जेक्ट का पार्ट वन आज कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन किसका है? गेज महोदय का। नंबर दो, शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। नंबर तीन, ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है शिक्षण। नंबर चार, शिक्षण के तत्व हैं कक्षा, विद्यालय, समाज। नंबर पाँच, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। नंबर छः, शिक्षण के सत्रों के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं स्मृति स्तर। नंबर दो, बोध स्तर। नंबर तीन, चिंतन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं। नंबर एक, लोकतांत्रिक शिक्षण। एकतांत्रिक शिक्षण। नंबर दो, लोकतांत्रिक शिक्षण। नंबर तीन, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। नंबर आठ, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं औपचारिक शिक्षण। नंबर दो, अनौपचारिक शिक्षण। नंबर तीन, औपचारिक शिक्षण। नंबर नाइन, शिक्षण की अवस्थाएं हैं। नंबर एक, पूर्व क्रियावस्था। नंबर दो, अंत क्रियावस्था। नंबर तीन, उत्तर क्रियावस्था। तो पूर्व क्रियावस्था का अर्थ है कक्षा में जाने से पूर्व की क्रिया इसमें शामिल की गई हैं। नंबर दो, अंत प्रक्रियावस्था का अर्थ क्या है? कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया इसके अंदर शामिल हैं। नंबर ट्वेल्व, उत्तर क्रियावस्था का क्या अर्थ है? सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना, अर्थात जो कक्षा में आपने सीखा है उसका मूल्यांकन अध्यापक द्वारा करना। नंबर तेरह, शिक्षण विधियां हैं शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका। नंबर चौदह, व्याख्यान विधि है कठिन अंशों को सरल बनाना। व्याख्यान के द्वारा आप किसी सब्जेक्ट को, उसके अंश को आप व्याख्यान के द्वारा कठिन से सरल बना सकते हैं। नंबर 15, एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में। नंबर 16, सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है विवरण विधि। नंबर 17, कहानी कथन विधि द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। नंबर 18, व्यक्तिगत विभिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट 19 नंबर, उदाहरण पर विधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। नंबर 20, मेथड विधि शब्द लिया गया है लेटिन भाषा से। नंबर 21, प्रदर्शन विधि की विशेषता है शिक्षक एवं छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं, सक्रिय होते हैं। नंबर 22, प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है छोटी कक्षाओं के लिए। नंबर 23, कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षक कौशल। नंबर 24, शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है समस्त अंत क्रियाएँ। और लास्ट 25, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर है उद्देश्य को लिखना। तो गाइज, हमारे छोटा सेशन जिसमें मैं टॉप 25 क्वेश्चन लिए, आज का हमारा पार्ट वन यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए न्यू वीडियो वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।